हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सैफ अस्लाम खान, योर ऑनलाइन केमिस्ट्री टीचर। आज हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के। ये लेक्चर काफ़ी पहले आना था, तो अभी आप लोगों को पता है काफ़ी बारिश हुई है, उसकी वजह से ये लेक्चर जितने भी थे हमारे पेन ड्राइव में मौजूद थे, वो पेन ड्राइव जो है वो पानी में ख़राब हो गया, इसकी वजह से सारे लेक्चर्स जो हमारे वो मिस हो गए। अभी हमें दोबारा लेक्चर सुनाने पड़ रहे हैं। तो आज जो हम मेडिकल्स करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 1 करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको सब एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस बताए थे, मोल्स बताए थे, आज हम उसके मेडिकल्स फाइंड करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स। हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं वो ये आज सिखाने जा रहे हैं। हमारे पास पहले क्वेश्चन लीजिए, प्रॉब्लम कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, हमें क्या मालूम करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं 100 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले इसका हम फॉर्मूला लिख देते हैं, सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स is equal to mass in gram, given mass, एक ही बात है, mass in gram या फिर given mass जो हमें given है, divided by molar mass। ये इसका formula है, इसका data बना लीजिए। सबसे पहले इसका एक data बना लें कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं data के अंदर। हमारे पास डेटा में क्या क्या चीजें मौजूद है, नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करने हैं। क्वेश्चन मार्क, मास कितना दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का, 100 ग्राम। ये जो दिया हुआ मास इन ग्राम, गिवन मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 100 ग्राम। गिवन मास किसका, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, CO2, कितना है, 100 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, मास इन ग्राम, 100 ग्राम, क्या रह गया, मोलर मास, किसका मोलर मास, CO2 का, कितना है। ये भी इसी क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल्स का हम फाइंड करना सीखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स के अंदर आपको मोलर मास भी फाइंड करना पता चल जाएगा, मोलर मास कैसे लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका हमें क्या लेना सीखना है, मोलर मास CO2। कार्बन कितने हैं हमारे पास, कार्बन कितने हैं, एक है, 1। कार्बन के साथ कोई भी नंबर मौजूद नहीं है तो इट मींस एक है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। 16 2 32 इन दोनों को आपस में हम प्लस कर देंगे, इन दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 में 2 किया 4 3 में 1 किया 4 44, AMU एटॉमिक मास यूनिट। ये हमने मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास फाइंड करना सीख लिया, तो कितना आया, 44 AMU। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना आया, 44 AMU। हमारे पास मोलर मास भी आ गया, आइए सॉल्व करते हैं, तो फॉर्मूले में पुट करते हैं, मास इन ग्राम कितना दिया हुआ है, 100। नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से भी डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम कितना दिया हुआ है, 100, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना दिया हुआ है, 44। इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा, 2.27 मोल्स। ये आपका क्वेश्चन का नंबर ऑफ मोल्स आ गए। 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल्स रखता है, 2.27 मोल्स रखता है। ये आप वीडियो पॉज कीजिए और ये न्यूमेरिकल कर लीजिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक बार आप लोग प्रैक्टिस के लिए करवाते हैं।
calculate the number of moles in fifty grams of sodium. ये आपका एक और numerical है प्रैक्टिस के लिए. अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, कितने 50 ग्राम्स ऑफ सोडियम. सबसे पहले वही करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डेटा लिख लेते हैं. सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास या फिर मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास. सबसे पहले डेटा निकालने, नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करने, नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करने. उसके बाद गिवन मास, गिवन मास दिया किसका, सोडियम. सोडियम क्या है, एन, कितना है 23. तो यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए आप लोगों की तरफ से कि सर आपको ये कैसे पता चल रहा है कि सोडियम का 23 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 1 है. ये आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप लोगों को पता चलता जाएगा, आप लोगों को भी याद हो जाएगा. और अगर नहीं भी याद होगा तो क्वेश्चन के अंदर ये गिवन होगा. जो हमारे पास क्वेश्चन होगा, यहाँ पे सोडियम लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन इज इक्वल टू 23. इसका जो एटॉमिक मास है वो आप लोग गिवन होगा, गिवन मास ऑफ एन कितना है 23. गिवन मास हो गया क्या रहेगा, मोलर मास. क्या हो गया, मोलर मास आपको फाइंड करना है. सोडियम का तो हम पूरा मोलर मास भी निकाल लें, हमें पता है कितना है 23 है, हमने जस्ट 23 यहाँ पे लिख दिया. आइए नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज इन फॉर्मूला. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास कितना है, गिवन मास दिया हुआ है आपको 50 डिवाइडेड बाय आपको मोलर मास कितना है आपका 23. इसको डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स 50 डिवाइड बाय 23 कितना आएगा, 2.173 मोल्स. वेरी इजी क्वेश्चन. ये जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत आसान है, बस आपने कंसंट्रेशन के साथ इसको देखना है. ये बहुत आसान क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स है, फर्स्ट न्यूमेरिकल्स है हमारे नंबर ऑफ मोल्स, और ये बेसिक है तो उसको आपने बहुत डिटेल में पढ़ना है ताकि आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाए. अच्छा, इसके अंदर एक सम टाइम ऐसे भी होता है जैसे कि ये फॉर्मूला लिखे रहने देते हैं. ये वीडियो पॉज करके आप लोग बता लीजिएगा, इसके प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको अभी क्वेश्चन देता हूँ. फॉर्मूला यही है इसका, क्वेश्चन सम टाइम ऐसे चेंज हो जाता है. वो क्या पूछ लेता है, वो आपसे बार बार पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. वो आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द मास, व्हाट इज द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ सोडियम, 10 मोल्स ऑफ सोडियम. यहां पे मैंने ले लिया एल्यूमिनियम, मैं सोडियम लिया ना, मैंने कार्बन लिया, मैंने यहां पे क्या ले लिया 10 मोल्स ऑफ व्हाट इज द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम. वो आपसे उसने क्या किया, क्वेश्चन चेंज कर दिया. अब आप यहां पे परेशान हो गए कि नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन है, उसने फाइंड करने को क्या कह दिया, व्हाट इज द मास. तो यहां पे देखें, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास मोलर मास. व्हाट इज द मास, ये रहा मास, ये आपने फाइंड करना है. जो चीज फाइंड करनी होती है उसको हम सेपरेट ले लेते हैं. यहाँ पे मोलर मास इससे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे गिवन मास जो है, मास हमें ये मालूम करना है, मोलर मास इससे डिवाइड हो रहा है. तो ये इज इक्वल टू के इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो गिवन मास, जो भी मास हमें फाइंड करना है वो सेपरेट हो जाएगा. कैसे हो जाएगा, गिवन मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स
multiplied by molar mass. यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो मोलर मास था इसको यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई करा दिया। क्यों मल्टीप्लाई करा दिया? क्योंकि हमें जो चीज फाइंड करनी होती है उसको हमें सेपरेट अलग से करना पड़ता है, अलग लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने मोलर मास को लाके इससे मल्टीप्लाई करा दिया। तो वेरी इजी गिवन मास, आपको ये चीज फाइंड करनी है। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं आपको? 10। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं? 10 दिए हैं आपको। मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कितना है एल्यूमिनियम का? 27। मोलर मास कितना है एल्यूमिनियम का? 27। तो यहाँ पे आपने जैसे ही मल्टीप्लाई किया 10 × 27 का 270 ग्राम। मास कितना आया? 270 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम के अगर 10 मोल्स है तो मास कितना है? 270 ग्राम। कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के देते हम कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये रहा। अगर उसने गिवन मास दे दिया, फाइंड करने के लिए कि आप बताएं यहाँ पे मास इन ग्राम मालूम करें, ये जो गिवन मास है यही मालूम करना है आपने। तो यहाँ पे गिवन मास की जगह आप लिख लीजिए मास इन ग्राम, मास इन ग्राम, तो आसानी हो जाएगी क्योंकि मास हमें गिवन नहीं है। तो क्या चीज हम लेके चलेंगे यहाँ पे? मास इन ग्राम की बात है। वास्तव में जब वो गिवन देता है तो हम यहाँ पे गिवन मास लिख देते हैं, अगर गिवन नहीं है तो मास इन ग्राम। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्वेश्चन ये रख लीजिए फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। उसने हमें मास फाइंड करने के लिए दिया तो हमने मोलर मास को यहाँ आके मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया, तो कितना आया? 270 ग्राम। अब आपको कुछ क्वेश्चन रखता हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। What is the mass of 20 moles of CO2, carbon dioxide? Next question is, calculate the number of moles in 50 grams of water. वाटर कितना हो, क्या हो जाएगा? H2O। ये तो मैंने कोई देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे आप वाटर H2O। ये दो क्वेश्चन है आपने प्रैक्टिस के लिए, जो हमने भी प्रैक्टिस किया है, इससे आपको मास फाइंड करने की समझ आ जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स भी आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम कैसे फाइंड करना सीखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करना सीखेंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे फाइंड करना सीखेंगे। तो ये जो भी लेक्चर्स चल रहे हैं प्लीज़ ये आप लोग मिस मत कीजिएगा, वरना आप लोग जो है बेसिक मेथड से पीछे रह जाएंगे।